हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमन फैक्ट एंड स्टोरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनाबला कॉम सुम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है अनाबला कॉम सुम के मूवी की असली कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है एड और लॉरेन वारन से। एड और लॉरेन वारन अनाबला डॉल को गाड़ी में अपने घर लाते रहते हैं। तभी ठीक शमशान घाट के सामने गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद एड गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद एड गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को ठीक करने लगते हैं। तभी एड की वाइफ लॉरेन वारन को शमशान घाट के गेट के पास कई सारे आत्माएं दिखाई देती हैं। ये देखकर लॉरेन वारन बहुत घबरा जाती है। उसके बाद एड के पीछे सारी आत्माएं दिखाई देती है लॉरेन वारन को, तो लॉरेन वारन जोर से चीखती है। उसके बाद एड एक ट्रक के नीचे आते आते बच जाते हैं। एड और लॉरेन वारन को पता चल गया रहता है कि ये सब अनाबला डॉल कर रही है। उसके बाद उस डॉल को एक सीक्रेट रूम में रख देते हैं अपने घर के पीछे, जहां पर पहले से ही कई सारे सापी चीजों को रखा गया रहता है। एड और लॉरेन वारन की एक बेटी रहती है। एक दिन एड और लॉरेन वारन किसी काम से बाहर गए हुए रहते हैं, और एड और लॉरेन वारन की बेटी के साथ उसकी कजन साथ में होती है। उसके बाद कजन की एक फ्रेंड भी वहां पर आ जाती है। कजन की फ्रेंड के पापा मर चुके रहते हैं। कुछ सामान लेने के लिए लॉरेन वारन की बेटी और उसकी कजन साथ में मार्केट चली जाती है। कजन की फ्रेंड घर में अकेली रहती है। उसके बाद कजन की फ्रेंड अपने पापा की आत्मा से बात करने के लिए सीक्रेट रूम में चली जाती है और अनाबला को उस बॉक्स से आजाद कर देती है गलती से। उसके बाद से उस घर में अजीबोगरीब घटना होने लगते हैं। रात को अनाबला डॉल के अंदर मौजूद आत्मा सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। उसके बाद एड और लॉरेन वारन की बेटी को एक आत्मा दिखाई देती है, जो कि हेल्प करती है अनाबला से बचने के लिए। उसके बाद उस डॉल को वापस उसी जगह रख देते हैं जहां पर उसे रखा गया रहता है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी मैं बहुत शॉर्ट में सुनाया। अगर पूरा कहानी सुनाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता यार, इस वजह से स्टोरी को शॉर्ट करना पड़ा। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।